नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबर लेके अपने पहले ही ओलंपिक में कंस्य पदक जीतकर सबसे पहले देश के नूरे नजर बनी मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर हर क्षेत्र के लोगों की जमकर तारीफ की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लवलीना को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जय हो। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना को बधाई देते हुए ये ट्वीट किया है, जहां पर लिखा है कि जय हो। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को कंस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं। देश की जांबाज बेटी का यह शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी है, तो वहीं बारिश की वजह से राज्य के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। प्रदेश के 13 जिलों में पानी आफत बनकर गिर रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं निचले इलाके के लोगों को वहां से निकलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जगह जगह जल भराव होने से प्रशासन को राहत और बचाव करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए टीम का गठन पर खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसके चलते भोपाल में सीएम शिवराज ने टीम के साथ आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। बैठक में सीएम शिवराज ने टीम को राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इंदौर से इस खबर पर जानकारी के लिए गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कैसे बारिश जो है वो आफत बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जो है जारी है, और अगर बात करें तो अब बारिश जो है लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं, और मध्य प्रदेश के अगर कई हिस्सों की बात करें, कई जिलों में जो है बारिश जो है बाढ़ का रूप लेती नजर आ रही है। और अगर मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया की बात करें तो जहां पर बाढ़ की हालात के अभी भी कई लोग हालांकि फंसे पड़े हैं, लेकिन अगर बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह से बात करें तो वहां पर बात हुई थी, और उसके बाद हालांकि वायुसेना की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। तो हालांकि बारिश की अगर बात करें तो बारिश की वजह से लोगों के लिए आफत की नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगर बात करें तो बारिश विकराल रूप ले चुकी है। जहां इसके पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी से लोग जूझ रहे थे, लेकिन गर्मी से हालांकि अब इजाद लोगों को राहत मिली है, लेकिन अब वही बारिश लोगों के लिए जो है आफत बनती नजर आ रही है, और हालात इस कदर है कि हर तरफ अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। जी, कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? जी, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? देखिए, इस प्रकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जो अगर नदी नाले किनारे जो लोग ग्रामीण स्तर के लोग हैं वहां पर अब बचाव और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, उन क्षेत्रों को भी खाली करा कर लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई भी अनहोनी ना हो। साथ ही जो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं वहां पर अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है बचाव दल जो है लगा हुआ है और लोगों को राहत पहुंचाने में लगा हुआ है ताकि किसी तरह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से बचाया जा सके। तो हालांकि सरकार अब पुरजोर जो है लोगों को बचाव के लिए कोशिश कर रही है, और लगातार सरकार की तरफ से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो अलर्ट पर हैं। अगर बात करें जिन क्षेत्रों पर बारिश का माहौल हो चुका है और वहां पर बाढ़ आ चुकी है, वहां पर सतत ये टीमें जो है कार्य कर रही हैं। साथ ही जो क्षेत्र जो ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं जहां पर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि बारिश से वहां पर बाढ़ की हालात बन सकते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी सरकार की तरफ से खाली करा कर और एक सुरक्षित जगह पर उन लोगों को ले जाया जा रहा है। शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए।
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर वो तमाम तैयारियां कर रहे हैं, खुद टीम बना रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। और बाढ़ के हालातों और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सीएम शिवराज क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे, शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ SDRF, NDRF, आर्मी, BSF सब ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी, आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और VSF की टीम भी लगी हुई है, NDRF की तीन टीमें पहले से थी, दो टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कालम और हमारे SDR की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है और जल स्तर कम होना शुरू हुआ है। मैं अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है, बाढ़ से 40 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है, 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है, 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है, पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था, 36 ग्राम प्रभावित है, 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है, लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है, 1 स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है, पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है, वो पानी भी जब पहुँचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा, इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना जिले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। भिंड में भी 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, सिंध नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, चंबल की स्थिति मैंने बताई, 25 गांव प्रभावित हैं, SDRF यहाँ काम पर लगी हुई है। श्योपुर में हमारे ज्वालापुर, भेराबद, मेवाड़ा और जाटखेड़ा ये पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन वहाँ पानी का लेवल अब कम हो रहा है, आर्मी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, रास्ते में जगह जगह पानी है, पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसलिए आर्मी रास्ता बनाते हुए वहाँ आगे बढ़ रही है। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था, विशेषकर टेलीफोन, श्योपुर ज़िले में वो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, तो हमने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी बात करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था और अभी गुना शिवपुरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूँ, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई,
मैंने स्थिति की जानकारी दी, गृह मंत्री जी से चर्चा हुई, केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए प्रधानमंत्री जी के। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, जिसको लेकर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आया है, आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। निश्चित रूप से बाढ़ की बहुत विकट स्थिति बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हजारों लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। वो लोग जो अभी भी गांव में फंसे हैं उनको ये सुनिश्चित किया गया है कि वो कम से कम पहली मंजिल पर मकान के पहुंच जाएं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, SDRF, NDRF और सेना भी इस कार्य में लगी है। हम पूरे मामले की सरकार स्थिति को देख रही है और जैसा मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा उतना ही है जितना पीक कोरोना के समय था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो लगभग 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है, उस हिसाब से अस्पताल में उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज। तो मध्य प्रदेश में बारिश का कहर टूट रहा है, वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित तो हुआ ही है। साथ ही आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश के चलते जिलों का कनेक्शन टूट गया है। आपको बता दें कि बारिश से शिवपुरी, श्योर और दतिया में हुई, लेकिन ग्वालियर 3 तरफ से कट गया है। खास तौर से सड़क कनेक्टिविटी टूट गई है, चाहे शिवपुरी होकर इंदौर जाने वाला हाईवे हो या झांसी जाने वाला हाईवे हो या फिर सनकुआ होकर जाने वाला रास्ता हो, केवल भिंड और मुरैना की तरफ से रास्ता अभी खुला हुआ है। हालांकि झांसी रेलवे ट्रैक भी रात 2 बजे तक बंद रहा। वहीं दतिया में भारी बारिश के चलते नदी के तेज बहाव और ओवरफ्लो होने के चलते 2 सड़कों को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इतना ही नहीं बल्कि पुल नदी में नाव की तरफ से तैरता हुआ बह गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एक खबर यह भी है कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के चलते शिवपुरी से होकर आने जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है, साथ ही ट्रेनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। साथ ही शहर के सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश इस समय भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार खुद टीम बना रहे हैं और टीम की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही आज उन्होंने आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक ध्वस्त हो चुका है और लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें शहर में पानी भरा हुआ है और ये रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शिवपुरी डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद भिंड के हालात काफी भयावह हो गए हैं। हालांकि भिंड जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, वहीं भोपाल से एक टीम रवाना कर दी गई थी। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जिन गाँव में बोट
की जरूरत है या जो राशन पानी मेडिसिन इत्यादि सामग्री की जरूरत है वहाँ पूरी मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर उस तरफ अत्यधिक वर्षा की वजह से मणिखेड़ा डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब काफ़ी बढ़ चुका है और लगातार दो दिन तक ऐसी चेतावनी के और बढ़ेगा, जिससे जो हमारे टहनगुर गांव है या जो नीचे के कुछ घर हैं वो लगातार उसकी जद में पिछली बार भी आए थे तो 20-25 घर में नुकसान हुआ था और आज भी लगातार पानी बढ़ रहा है। उसी सब का जायजा लेने के लिए हम लोग सभी यहाँ पर आए हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सभी पहलुओं पर नज़र रखे हुए है और जो घर डूब में आने वाले हैं उनको खाली कराया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और लगातार पूरे स्थिति पर नज़र रखी है। कौन कौन से गांव हैं ऐसे जो? देखिए, हमारी विधानसभा की अगर हम बात करें तो द्वार है या टहनगोर है, ककारा है, जखमौली है, तो ऐसे ये सब गाँव हैं। उधर श्यामपुरा है, एक बवेड़ी की तरफ एक गाँव है, कटनापुरा है, तो ये जो गांव हैं ये हमारी विधानसभा से प्रभावित। हालांकि बारिश लगातार होने के कारण हमको नेक्स्ट दो दिन तीन दिन बहुत ही सतर्क रहने का ज़रूरी है। इसका जो सिंध नदी का जो आसपास का जो गांव है, ये मैगांव में भी कुछ गांव आता है, मैगांव ब्लॉक का, भिंड ब्लॉक का गांव आते हैं, लाहौर रोन ब्लॉक का भी गाँव आते हैं, तो इन गाँव को सभी जगह में अलर्ट जारी किए हैं। और जो अभी SDRF का दो टीम, एक लाहौर साइड में और एक बरौली साइड में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, और भी टीम्स हमने शासन लेवल से बात करके दो और SDRF का जो टीम है नाव सहित अभी रास्ता में है। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए सेना बुला ली गई है। शिवपुरी, श्योर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा जैसे जिलों में लगभग 1171 गाँव प्रभावित हुए हैं। कुल 200 गाँव पानी से घिरे हुए हैं। SDRF, NDRF की टीमें लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा चुकी हैं। एयरफोर्स से 5 हेलीकॉप्टर ग्वालियर में मंगवा लिए गए हैं और मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी, लेकिन पहले खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के लिए उतर नहीं सके। सिंध नदी के तेज पानी में गोराघाट के नजदीक लॉन्च का पुल और रतनगढ़ वाली माता का मंदिर पूरा बह गया। सिंध नदी पर बने लॉन्च और रतनगढ़ माता मंदिर पुल की उम्र 10 साल से कम बताई जा रही थी। 2013 में इसे पुल पर मची भगदड़ में 115 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने लोगों को सरकारी दफ्तरों से संबंधित कामकाज शीघ्र और समय पर पूरा होने के लिए इसके लिए लोक सेवा केंद्र ने दी जा रही सेवाओं के प्रभावी रूप से कार्य किया है। साथ ही शासन ने लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों का भी निस्तारण करने के लिए तैयारी कर ली है। साथ ही शासन ने लोक सेवा के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों की सीमा निराकरण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसका जिसका असर अब यह हो रहा है कि लोक सेवा केंद्र के आवेदनों का निस्तारण में गति आ गई है। लोक सेवा केंद्र के तहत प्रदेश में पिछले जुलाई महीने में 53,533 सर्वाधिक आवेदन राजनंदगांव जिले से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 44,291 प्रकरणों का निस्तारण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर महल गांव स्थित 220 केवी उपकेंद्र पर लगे 160 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे आधे शहर की बिजली गुल हो गई। आग की घटना की जानकारी मिलने पर बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे गई। कॉम टेंडर गाड़ी आग बुझाने पहुंची और मुश्किल से आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कितनी भयावह आग लगी हुई है। और महलगांव है हमारा ग्वालियर का, ये यहाँ पे 160 MVA का 220 केवी का ट्रांसफार्मर है और ये करीब करीब 36-37 साल पुराना ट्रांसफार्मर है। इसको हमारे को बदलने का प्लान चल ही रहा था और मतलब इसका प्लानिंग भी था ये बदलने का, तो कोई फॉल्ट इंटरनल रहा होगा उस तो भी, उसकी वजह से अचानक ये फॉल्ट में आग लगी। इसमें गाड़ियाँ तो मान के चलो कि मतलब 10-12 तो गाड़ियाँ लग गई। पावर हाउस सिरौल रोड पर एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, बिजली का पावर हाउस है, उसके अंदर एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसमें आग लग गई है जिसे आग को बुझा दिया गया है। करीब करीब 8:30 बजे करीब हमारे पास सूचना आई थी। हमारे यहाँ से 6 गाड़ियाँ और टैंकरों के माध्यम से हमने करीब 20 गाड़ी पानी फायरिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। भिंड शहर में बुधवार के दिन विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के MD ने SP कलेक्टर और बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भिंड शहर के निरीक्षण किया और इस दौरान विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव और प्रशासनिक अधिकारी भीमनगर क्षेत्र में मौजूद रहे। सैकड़ों लोगों ने DP से कड़ियां डालकर बिजली की चोरी कर रहे थे।
जिसको लेकर प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के MD ने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग बिजली चोरी ठीक ढंग से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं DP से कड़िया डालकर बिजली चोरी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए तारों को जब्त कर लिया गया। इस दौरान विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने भी अपनी बात कही और MD गणेश शंकर मिश्रा ने लोगों को कहा कि आप ऐसी चोरी ना करें। आप लोग बिजली चोरी करते हैं जिससे अपने बच्चों को भी चोरी करने से रोके। अधिक नुकसान वाला अगर जिला है तो वो भी भिंडी ही है और ये हमारे लिए चुनौती है। हमने ऐसे 13 जिले चिन्हित किए हैं जिन जिलों में हमारी सबसे ज़्यादा रिकवरी की परेशानी है। उपभोक्ता भुगतान नहीं दे रहे हैं, इलीगल हुकिंग है, चोरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी जो बात हुई है उनसे भी हमने यही आग्रह किया है कि अगर हम उपभोक्ता के रूप में ये उम्मीद करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए आप NB News के साथ। नमस्कार।